स्टील की प्लेट ले लो थोड़ी। भावना मैम सेशन लाइव है, स्टार्ट कर दीजिए। ओके मैम। ओके मैम। हेलो और सुपर मॉम्स, मैं भावना गुप्ता आशानंद भिवाड़ी से, आज मैं आप लोगों को दो नई चीजें, एक बालूशाही एक सिजवान डोसा सिखाने जा रही हूँ। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने बालूशाही के बैटर से। जो मेरा ये बालूशाही का बैटर है उसमें हम ये हम मैदे का यूज कर रहे हैं। मैंने एक मेजरिंग कप लिया है, जैसे मैंने ये मेजरिंग कप लिया है, इस पे थोड़ा सा मेरा मेजरमेंट लिखा हुआ है। ये हमारा 200 ml के करीब है और मुझे पूरा एक कप भर के लेना है। ये भावना मैम आपका वीडियो पॉज हो गया है, मैं पूछने वाली थी कि वीडियो हमारे यहाँ ही नहीं आ रहा या आ ही नहीं रहा है। मौसम खराब हो रहा है ना। हाँ बहुत खराब है, एकदम आंधी आ रही है बहुत बुरी तरह से, थोड़ा सा वो हो रहा है दिक्कत। इसीलिए मैंने सोचा, मुझे लगा कि हमारा ही तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि मेरे ही। अभी भी नहीं आ रहा? नहीं अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। हेलो भावना, ऑल द बेस्ट। हेलो, थैंक यू सो मच। अब आ रहा है वीडियो मेरा, लेकिन हिल रहा है बहुत, पिक्चर हिल रही है बहुत ज्यादा तुम्हारी। एक जगह सेट कर दो कैमरा। अब देखो अब ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब ये मैंने एक कप मैदा लिया है, इसमें मैं एक छोटी मतलब 1/4 टेबल स्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा नहीं डालेगा, बेकिंग पाउडर डालेगा। थोड़ा सा कैमरा सेट करो, दिखाई नहीं दे रहा। अभी भी नहीं दिख रहा क्या? सामान दिखाओ नीचे, नीचे दिखाओ। ये इतना। हाँ अब ठीक है। ठीक है जी। एक चुटकी नमक डालेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक चुटकी नमक। नमक से कोई खारीपन नहीं आएगा, इसको थोड़ा बैलेंस ही होता है। ये हम आधा मतलब 3/4 कप मान लीजिए आप घी डालेंगे इसमें। पहले इसे हल्का सा सारा सामान जो जो हमने डाला है उनको मिक्स करेंगे। ये मुट्ठी बन रही है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। अब हम इस आटे को हम मलेंगे नहीं, मतलब इसका डो नहीं बनाना हमको, इसको सिर्फ हल्का सा बाइंड करना है पानी से। तो हमें आटा जैसे लगाना है लेकिन इसमें बाइंड नहीं करना है हमें। देखिए इसका आटा मैं कैसे लगा रही हूँ, क्योंकि बालूशाही में आप लोग देखते हैं कुछ लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स कैसे आती हैं वो ही मैं बता रही हूँ आपको। हम हल्का हल्का पानी लेके इसको सिर्फ बाइंड करेंगे, गूंथेंगे नहीं। जैसे हम आटे को गूंथते हैं उस तरीके से इसको गूंथेंगे नहीं, हमें इसको बस जोड़ना है आटे को, बाइंड करना है बस। बस दूसरे से जुड़ जाए। Thank you.
पानी बहुत हल्का हल्का सा डालेंगे, एक साथ मत डालिएगा ज्यादा। ये देखिए हमें मलना नहीं, इकट्ठा हो रहा है, आप देखिए। ये देखिए आटा मैंने एकदम मला नहीं है, बस इसको मैं बाइंड कर रही हूँ, यानी कि आपस में बस जुड़ रहा है ये। इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 टेबलस्पून पानी लगा है बस मेरा। और ये एकदम स्मूथ आटा मेरा लग चुका है। ये देखिए आप लोग, ये आटा मेरा एकदम, आप देख रहे हो थोड़ा मैसी सा है, आपको इसी तरीके का आटा रखना है। सबको दिख रहा है लेयर वाला, इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक्कन छोड़ रही हूँ। ये 10 से 15 मिनट के लिए मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। आटा में आटे का डो लगाने में किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आपको समझ में आया आटे का कैसे लगाया है मैंने? ये आप देखिए, ये मेरी शुगर सिरप, यहाँ नहीं दिख रही होगी सबको, नजर आ रही है शुगर सिरप। इसमें मैंने जो कंसिस्टेंसी रखी है वो रखी है एक तार की, और इसको बनाने के लिए मैंने दो कप चीनी और 1 कप पानी को जब तक गाढ़ा किया है, जब तक कि इसकी 1 तार की चाशनी तैयार ना हो जाए। देखिए ना, इससे गाढ़ी हमें चाहिए और ना ही इससे पतली हमें चाहिए। किसी को कोई भी दिक्कत है तार की चाशनी बनाने में? 2 कप चीनी, 1 कप पानी, हमें इसको मीडियम फ्लेम पर जब तक पकाना है जब तक कि हमारी ये कुछ इस तार की चाशनी ना आ जाए। इस तार की चाशनी का सबसे बड़ा देखिए, जब हम लास्ट की बूंदे गिराते हैं तो ये रुक रुक कर गिरती है, आप देखिए ध्यान से। 1 तार की चाशनी की यही पहचान है, जब मैंने पूरा गिराया तब गिर रही है और लास्ट की जो बची हुई बूंदे वो रुक रुक के गिर रही हैं। इसका मतलब कि हमारी चाशनी बिल्कुल पतली नहीं है और ना ही बिल्कुल गाढ़ी है, ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी की है। इसमें मैंने ये ऑरेंज कलर, फूड ऑरेंज कलर आता है, ये थोड़ा सा ऐड किया है ताकि थोड़ा सा कलर अच्छा है हमारा। किसी को कोई भी दिक्कत है? गरम हो रहा है, किसी को कुछ भी पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैम, क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, थैंक यू। जब तक हमारा आटा उसका रेस्ट कर रहा है, मैं जब तक अपनी शेजवान ढोकले की रेसिपी शेयर करती हूँ। उसके लिए हमें ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। ये मिक्सचर के लिए हमें थोड़ा सा बटर, जो हमारा सॉल्टेड बटर होता है वो नॉर्मल अमूल का, ये हमारी थोड़ी सी मैंने हरा प्याज, जो स्प्रिंग अनियन होती है उसका हरा वाला पार्ट लिया है, ये थोड़ी सी कैप्सिकम, और ये हमारी नॉर्मल जो प्याज होती है अनियन वो लिया है, और एक ये लिए है मैंने चिंग्स की शेजवान चटनी, ये मैंने मिक्सचर के लिए लिया है। इसके आपको और कोई मसाला, कोई और कुछ नहीं चाहिए।
जैसे 100 वाला मेरे लिए ना बहुत इजी होता है, जैसे ये वाला समझ में आया। ओके, क्या कह रहे मैम? जो भी है उसका एक जीरो जो होगा वो जीरो हटा दीजिए, मतलब चाहे दो जीरो भी हो। हाँ कोई पढ़ा रहा है। अच्छा कोई पूछने से जीरो सब हटा दे। ये देखिए, ये मेरा डोसे का बैटर, ये मैंने दाल और चावल से नहीं बनाया है, इसके लिए मैंने सूजी ली है एक कप, जो मैंने आपको मेजरिंग कप दिखाया था, मैंने यही मेजरिंग कप, आप लोग चाहे एक मेजरिंग कप रख लीजिए, उसी से सारा मेजरमेंट करिए, चाहे आप कोई भी डिश बना रहे हो तो डिश में थोड़ा सा बैलेंस रहता है। मैंने एक कप सूजी ली है, कोई रोस्ट नहीं किया उसे, कुछ नहीं, नॉर्मल, उसको मिक्सी में ग्राइंड किया। ग्राइंड जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ग्राइंड नहीं करेंगे तो जब डोसा सिक कर आएगा तो एकदम कुरकुरा अलग सा टेस्ट आएगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको एकदम डोसे का टेस्ट चाहिए तो सूजी को मिक्स कीजिएगा। और मैंने ये दो टेबल स्पून ये वाली जिससे हम खाना खाते हैं, ये मैंने गेहूं का आटा मिलाया, जिससे हम नॉर्मल अपनी चपातियां हैं रोटी बनाते हैं, उसके साथ इसमें थोड़ा सा मैंने दही मिलाया है, जैसे हमारे यहाँ खट्टा सही खाते हैं, तो मैंने 3/4 कप दही मिलाया है इसमें। एक कप सूजी में 3/4 कप दही है, बहुत ज्यादा खट्टा नहीं, बहुत कम खट्टा नहीं, हाँ बट थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी जब पिस कर आएगी तो आप देखिए कुछ इस तरीके की आएगी। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा है घोट, तो मैं इसमें इसमें आधी टेबल स्पून हमारा खाने वाला मीठा सोडा डालेगा, देख रहे हैं आप इतना। आप अगर इनो का फूड सॉल्ट डालते हैं तो आप पूरी एक चम्मच भर का डाल सकते हैं, जो खाने वाला टेबल स्पून होता है उसकी। इसमें मैं थोड़ा सा, मेरे को गाढ़ा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा पतला कर रही हूँ। इसको एक ही साइड में घुमाइएगा ताकि इसके एयर बबल्स आउट ना हो। ये देखिए, ये इस तरीके की पोरिंग कंसिस्टेंसी में रहना चाहिए ताकि अच्छे से हमारा जो वो है बैटर है वो फैलने में आसानी रहे। किसी को बैटर से रिलेटेड कुछ पूछना है? किसी को भी कुछ पूछना होगा पूछ सकते हैं। ये वाला देख लो पहले। किसी को बैटर से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये इस तरीके की पोरिंग कंसिस्टेंसी का रहेगा हमारा, जिसे आराम से गिरे और फैल जाए। ऑनियन ले लेती थी इसको रगड़ने के लिए, ऑनियन दो सबके लिए कटी। ये हमें एकदम तेज तवा गरम करना है, एक बार इसमें से ले ले। ये हमारा तवा हमें एकदम अच्छा
अच्छा हीट का ऑयल का गर्म करना है। ये एकदम अच्छा हीट का गर्म हो चुका है, इसमें हम ये तेल हमारा रहना नहीं चाहिए, इससे हमारा एक बीच होता है इतना लगता है हमें। ये गरम ज्यादा हो जाता है इसलिए इसको ठंडा करने के लिए हमें ये डालना होता है। अब आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कैसा भी डाल सकते हैं। ये मेरे को थोड़ा ज्यादा गाढ़ा है मेरा बैटर, जो पानी डालना है। वही ले ले पुराना छोटी ले ले, ये बड़ी मेरा पहले थोड़ा सा बैटर गाढ़ा था इसलिए वो थोड़ा सा ढंग से बना नहीं मेरे से। रोज जो फिर ले दिया आज बालू चाहिए बना दी और फेस बांध दो उसका सूखी सड़ी थी। इसके बाद थोड़ा सा बटर भावना मैम आपका म्यूट हो गया। भावना मैम म्यूट पे हो आप। ब्यूटी तो है। अच्छा ये मैंने वो गलती से फिंगर से हो गया था। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्टेड बटर और ये थोड़ा सा मैंने इसमें ये चिंग्स की अपनी चटनी डाली है, ये मैं इसमें थोड़ा सा हरा प्याज, ये थोड़ी सी कैप्सिकम, जो जैसी कैप्सिकम या जैसी लाइक करता हूँ अपनी पड़ी या वेजिटेबल लाइक है। जब ये डोसा सिकने लगेगा तो आप देखिए खुद ही अपनी साइड छोड़ देगा और ये हमें वन साइड ही देखना है बस। इसको सेम गैस पे आराम से पकने दीजिए, हम हल्की सी मीडियम कर देते हैं फ्लेम। हुई नहीं क्या? ये देखिए जब ये सिकेगा तो ये खुद ही अपनी साइज छोड़ देगा और ये देखिए प्लेट ले उधर रखिए। ये देखिए ये देख रहे हैं आप लोग, ये एकदम क्रिस्पी डोसा सिक्के तैयार होता है। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ।
एकदम सेम गैस पे, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग बटर डाल सकते हैं, जितना बटर आप चाहें। ये बटर हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारी जो ये चटनी है ये एकदम इजीली पूरे इसमें फैल जाए, और ये इतनी स्पाइसी होती है कि आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना तो आपको कोई नमक डालने की जरूरत है, ना चीनी फ्लेक्स, ना कुछ। इसमें भी वही सेम प्रोसीजर, ये हमारा ग्रीन कैप्सिकम, ये देखिए जब ये खुद सिक जाएगा तो ये खुद ही अपनी साइड छोड़ देगा, आप देख रहे हैं, ये भी और थोड़ा सा ब्राउन होगा हल्का सा, इसमें ना कोई आपको एक्स्ट्रा तेल डालने की जरूरत है ना कुछ। जब तक हमारा ये डोसा सिक रहा है, मैं अपना अब आपको डो दिखाती हूं। देखिए आप इसकी लेयर्स देख रहे हैं आप, हमें इसी तरीके की लेयर्स चाहिए। अब हम इसको अपने हाथ से, जब तक मैंने गैस पे घी चढ़ा रखा है, ये देखिए आप इसको थोड़ा सा दबा के, ये देखिए किसी एक बेलन की मदद से आप इस तरीके की इसको शेप दे देंगे, जैसे एक बालूशाही की होती है, देख रहे हैं आप। इसकी लेयर्स भी देखिए आप, एकदम प्रॉपर लेयर्स खुली हुई है एकदम। ये हम के लिए जो हमें घी रखना है वो भी एकदम मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत तेज नहीं होना चाहिए हमारा। ये अपने हाथ से हमने ऐसे फ्लैटन की, इसको थोड़ा सा दबाया, देखिए ये बन गया हो। ये आपका डोसा एकदम सिक के तैयार है।
ये देखिए यार, डोसा भी आपका एकदम सिक्के तैयार है, एकदम क्रंची। ठक एक बार ठंडा हो जाएगा। इसी तरीके से हम पूरे डो की छोटी छोटी आप अपने अकॉर्डिंगली बड़ी छोटी कैसी भी बना सकते हैं। आप चाहे तो फिंगर से किसी भी चीज से आप वो बना सकते हैं इसमें छेद। और इसकी लेयर्स आपको एकदम ध्यान रखनी है कि एकदम खुली हुई होनी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछना है, किसी को तो आप पूछ सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग बड़ी साइज छोटी साइज कैसा भी साइज दे सकते हैं इसका। ये देखिए ये बालूशाही की लेयर्स देखिए आप, एकदम जैसे बाजार में लेयर्स आती हैं एकदम लेयर्स आई है इसमें। अब हमें ये ऑयल इतना गर्म करना है कि इसमें कोई मूवमेंट ना हो, ना बहुत ज्यादा तेज चाहिए ना एकदम ठंडा। और इनको जब तक टच नहीं करना जब तक इस साइज में थोड़ी कमी ना हो जाए। अब आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कोई भी किसी को कोई भी डाउट है, किसी को पूछना है। मैम बालूशाही के आटे में क्या क्या डाला था आपने, एक बार बता दें प्लीज। हाँ मैं बताती हूँ, बालूशाही के आटे में मैंने ये अपना मैदा लिया था, उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिलाया था, एक चुटकी भर नमक, थोड़ा सा घी, और बस उसको फिर बाइंड किया है एकदम। मतलब ये नहीं है कि उसको एकदम आटे की तरह लगाना है, बस इतना कि वो आटा एक दूसरे के अंदर रुक जाए, इतना हमें करना है। अब आप देखिए जैसे ये है जो बालूशाही, आप देखिए ये अब एकदम लेयर इसकी खुल रही है और ये बड़ा हो गया है साइज में डालने के बाद। इसको हमें जब तक टच नहीं करना है जब तक ये एकदम थोड़ा सा फ्लफी ना हो जाए। जैसे हल्का से फ्लफी हो रहा है तो भी अभी हमें इसे टच नहीं करना, ये अभी सिकेगा। इसको एकदम सेम गैस पे आपको सेकना है और जब ये थोड़ा सा सिक जाएगा तब भी इसको टच नहीं करना, थोड़ा सा बस इसको गैस को थोड़ा सा तेज करना है उस टाइम पर भी। जब तक हमारा सिक रहा है जब तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। क्या आटे में आपने पानी नहीं लगाया? जी लगाया है, पानी से ही बाइंड किया है।
आटे को आटे की तरह नहीं लगाया है, सिर्फ ऐसे मतलब बाइंड किया है आटे को कि एक दूसरे में बस वो मतलब जुड़ गए, ऐसे आटे जैसे मला नहीं है मेरा मतलब, ठीक है। ओके, बाइंड करने के बाद कितनी देर रेस्ट के लिए रखना है? 10 to 15 minutes. ओके, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर अपना रिएक्शन कर ले थोड़ा सा, इसमें आप इनो भी मिला सकते हैं, लेकिन ये है कि इनो का थोड़ा सा अपना एक टेस्ट होता है, तो वो बालूशाही के अंदर आपका टेस्ट आ जाएगा, नहीं तो आप चाहे तो इसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, मतलब बेस्ट है इसके अंदर बेकिंग सोडा मत मिलाइएगा, इसके अंदर बेकिंग पाउडर ही डलेगा, बेकिंग सोडा नहीं डलेगा। अब एक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, अब जैसे ये हो गई थी, अब ये इतनी ही ब्राउन में आपको ये पलट देनी है, जैसे बाजार में लेयर्स आती हैं इसकी, एकदम लेयर रहेगी, गूंथिएगा मत आटे को। अब इसकी गैस मैंने थोड़ी सी तेज कर दी है, मतलब एकदम तेज नहीं ना एकदम स्लो, अभी थोड़ी सी हम तेज कर रहे हैं बीच बीच में, ताकि मतलब ये अच्छे से सिक जाए, और ये हमें चारों तरफ से गोल्डन होने तक सेकनी है एकदम। चाशनी मैंने इसकी रेडी कर रखी है, ये मेरी एक तार की चाशनी है, ये अभी गर्म हो, इसमें ये चाशनी आप चाहे एक दिन पहले भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप ये बालूशाही डालेंगे तो इनको हल्का सा गर्म करेंगे चाशनी को, क्योंकि चाशनी एक तार की है तो थोड़ी सी गाढ़ी तो होती ही है रखी रखी, तो ये है कि जब आप इसको मतलब थोड़ा सा डालेंगे ना तो एकदम अंदर तक इसमें चाशनी चली जाएगी, तो उसको गर्म करके ही डालिएगा चाशनी को। और किसी को कुछ पूछना है अभी? मैम कैमरा हॉरिजॉन्टली रख लीजिए, पोज हो गया ये। बालूशाही सिक रही है अभी, बालूशाही हमारी अभी सिक रही है, इसको सेकने में जल्दबाजी मत करिएगा, ये अपने टाइम से आराम से 10 से 15 मिनट लेंगी सेकने में, और क्योंकि इसमें मोहन है इसके अंदर हमने वो डाला है, तो ये मोहन है इसके अंदर, तो ये एकदम कुरकुरी मतलब वैसे नहीं, एकदम सॉफ्ट और चुई हो जाएंगी एकदम, जैसे बाजार में आती है सेम वैसे ही। इसको थोड़ी थोड़ी देर में आप पलटते रहिए, इसके अंदर एक पिंच नमक जरूर डालिएगा, किसी को और कुछ पूछना है? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये थोड़ी थोड़ी देर में हमें क्लिक करते रहना है, ताकि ऐसा ना हो कि एक साइड से ज्यादा कुरकुरी हो जाए, ये चारों साइड से एकदम बराबर से गिरेगी और हल्की गोल्डन ही रखिएगा, बहुत ज्यादा ब्राउन मत कीजिएगा, फिर वो टेस्ट में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा और दिखने में भी। यह मैंने थोड़ी सी स्लो से मीडियम कर दिया है जो वो है प्ले हमारी, अच्छा एक चीज और, इसके डो में
जब आपने इसका डो लगाया है, जैसे अब हम बालूशाही को घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल में नहीं, रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, या ऑलिव ऑयल में, मतलब कोई भी ऐसा तेल में फ्लेवर काम। लेकिन जब आप इसका आटा लगाएंगे तो आटे के अंदर घी ही डालना है, उस टाइम पे आप तेल नहीं डाल सकते या कोई भी ऐसी चीज नहीं, सिर्फ और सिर्फ घी का ही यूज करिएगा। कि घी से जितना अच्छा मोयन बनता है किसी भी चीज में, उतना अच्छा किसी भी चीज में नहीं बनता। तो आप जब भी आप बनाए तो इसके अंदर घी ही डालिएगा हमेशा। चिमटा ले रहे, चिमटा चिमटा से पड़ जाए। ये देखिए आप, ये मेरी हल्की सी गोल्डन हो चुकी हैं। एक साइड से मैं इनको फ्लिप कर रही हूं बार बार। ये भावना तेल की तो स्मेल आ जाएगी इनमें, अगर तेल में सेकेंगे तो। नहीं, बहुत सारे तेल में नहीं है, जैसे मतलब हम तो प्रेफर यही करेंगे कि मिठाइयां जितनी होती देसी की होती है, देसी की देसी की क्या बनेंगे। बहुत सारे लोग भाई प्रेफर करते हैं, बहुत से यूज देसी घी यूज नहीं कर सकते ना, जैसे हर तरीके के लोग होते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि अंदर दो में आप घी ही डालिएगा, उस टाइम पे आप इसमें वो नहीं डाल सकते। मेरा मतलब बस इतना है, सीखने को तो देसी घी ही बेस्ट है इसके लिए। अभी मेरी काफी हद तक सीख चुकी है, इनको चारों तरफ से एकदम बराबर सेकना है, ये नहीं कि कहीं से ज्यादा और कहीं की नीचे से ज्यादा या ऊपर से कम, ऐसा नहीं। इसको सिकने में बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा। लगभग सीख चुके हैं, एक बार गैस ऑन कर दी मेरी चाशनी का। हम जब जलेबी की या किसी चीज की चाशनी बनाते हैं तो उसके अंदर हम थोड़ा सा नींबू डालते हैं ताकि क्रिस्टलाइजेशन ना हो। ये तो सबको ही मालूम होगा कि क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है जब हम चाशनी को थोड़ी देर का छोड़ देते हैं। और अब इनकी जो मिठाइयां हमारी ऐसी होती है जो हम लंबे समय तक खा सकते हैं, जैसे कि बालूशाही हो गई, गुंजिया हो गई, आप इनकी चाशनी में कभी भी नींबू का यूज ना करें। दूध डाल सकते हैं पर उससे सिर्फ गंदगी ऊपर आती है। आप बेस्ट है कि उसकी चाशनी को ये मेरी बालूशाही एकदम सीख चुकी है। छोटी ले लीजिए, गैस बंद कर दो। अभी गर्म चिमटे पक ले ले। देखिए ठीक है, अभी एकदम गरम गरम आपको चाशनी में डालनी है ताकि वो एकदम अच्छे से। देखना गया मेरे से गिर गया। ताकि वो एकदम हम इसमें अंदर तक एकदम देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूं इसको।
मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि इसमें अंदर तक हमें चाशनी कैसे भरनी है। एक चमचे की मदद से आप इसमें पूरे में अपनी चाशनी भरेंगे, जिससे कि ऊपर से भी और अंदर से भी दोनों तरफ से चाशनी पी ले। ये दो से तीन मिनट के लिए आपको एक साइड, फिर दो से तीन मिनट के लिए आपको दूसरी साइड भिगो के रखनी है। बाहर रखा है मैंने, डाली आई हूँ। ये आपको गरम गरम चाशनी ही बहुत ज्यादा देर के लिए इसको नहीं रखना है हमको, बस 4 से 5 मिनट बहुत हैं। आगे ना किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, जब तक हमारी चाशनी में डिप हो रही है। चाशनी में कितनी देर रखना है? 5 से 6 मिनट बहुत है बस। एक थोड़ी सी ये है कि थोड़ी सी चाशनी पी ले बस, उसके बाद आपको ये निकाल लेनी है। अरे एक दो बार आप इसको पलट दें ताकि दोनों तरफ से ये अच्छे से अपनी चाशनी पी ले। बस इतनी देर ही हमें इसे रखना है। और किसी को कुछ पूछना है? पिस्ता ले ले, पिस्ता। चलो बादाम ले। ये मैं थोड़ा सा मुद्दा की चाशनी पी रही हूँ, थोड़े से बादाम कट कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको सर्व कर सकते हैं। मैम मेरा हो चुका है, देखिए। वेरी नाइस भावना मैम, थैंक यू। किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। भावना मैम आप दूसरी डिश पे हाथ में ले लीजिए, मैं पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ। ठीक है मैम।
ये मैंने कोकोनट चटनी भी बना के रख रखी थी। मैं भी खींचू किसी को कुछ पूछना है? ये किसी ने बनाया है साथ में? ओके सो थैंक यू सो मच भावना मैम। ओके मैम थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। भावना मैम इट वाज अ नाइस रेसिपी। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय।